मैं ना किसी के बाप से भी नहीं डरता। मैं उसे कहकर तो आ गया कि जल्दी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी मुझे ही है। पता नहीं वो कितना टाइम ले, कितने नखरे करे। अब रिंग लेकर गई है तो ऑलमोस्ट रेडी तो वो है। यार तू इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है? वो इनकार भी तो कर सकती है। इनकार करना होता तो रिंग रखने की बात क्यों करती वो? यार तू रिंग से निकल के भी कोई बात कर, इसी पे अटक गया। सारी बात उस रिंग की तो है मेरी जान। जिस तरह तूने उसे सरप्राइजिंगली प्रपोज किया है, क्या पता वो सरप्राइजिंगली उसे एक्सेप्ट कर ले। यार तू ना कुछ भी बोलता है फाद, और वैसे जब भी तू कुछ कहता है ना उसका अलर्ट ही होता है। तो तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं तुझे अच्छे की उम्मीद दे रहा हूं, और ये जो तुझे डर है कि वो तुझे रिजेक्ट कर देगी, इससे निकला प्लीज। मैं ना किसी के बाप से भी नहीं डरता। चलो फाइनली अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमने किसी लड़की के सामने सरेंडर तो किया। क्या एक काम कर फाद, अपना फोन निकाल और उसको फोन मिला और उसको बता कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूं। यही चाहता है ना तू? नहीं तो बार बार मेरे मुंह पे रब क्यों करता है कि मैं अपने बाप की वसीयत में फंस के मजबूर होके ये शादी कर रहा हूं? यार मैं तेरा दोस्त हूं, सोहा का नहीं। ये सब कुछ तू सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि ठीक है मैं उससे बिजनेस के लिए शादी कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी से कमिटमेंट करने जा रहा हूं यार। एंड बिसाइड्स बिजनेस, अगर मैं किसी को एक दफा ओन कर लूं तो उसकी इज्जत और उसका मान मेरा होता है। अच्छा चल रिलैक्स कर, ये शादी घाटे का सौदा नहीं है, तुझे फायदा ही देगी। शादी करना बहुत आसान है, उसको निभाने में बहुत मेहनत लगती है, और जो रिश्ते टूटने के लिए बनते हैं ना उसकी तकलीफ सारी नस्लें उठाती हैं, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और सब्सक्राइब करें AI Digital का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।